स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कैनन इमेज क्लास MF241D प्रिंटर को किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रिंटर को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपने जो मेन्यू बटन है इस पर आपने प्रेस करना है, और आप यहां से देख सकते हैं जो डाउन एरो की यहां पे नीचे की तरफ बटन है, इसके साथ आपने सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे में सिस्टम मैनेजमेंट सेटिंग करके आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने ओके कर देना है दोस्तों। और फिर से आपने ये जो डाउन एरो की यहाँ पे बटन है, इसको आपने नीचे की तरफ से इस तरफ प्रेस करना है दोस्तों। और आप सबसे नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई देगा इनिशियलाइज ऑल डाटा सेटिंग्स, इस ऑप्शन को आपने ओके कर देना है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको एक मैसेज देगा, डाटा फाइल्स विल बी डिलीटेड एंड सेटिंग्स इनिशियलाइज्ड, तो आपने इसको दोस्तों यस कर देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस विल रीस्टार्ट आफ्टर इनिशियलाइजेस, इज इट ओके, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका मशीन है ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा इनिशियलाइजेशन के बाद, तो आप इसको ओके कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे दोस्तों। तो आपका जो प्रिंटर है ये रीसेट हो रहा है, आपको वेट अ मोमेंट मतलब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रिंटर है वो रीस्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रिंटर रीसेट होने के बाद रीस्टार्ट होता है दोबारा, आपको लैंग्वेज फिर से सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ। और यहाँ से दोबारा से आपको जो टाइम एंड रीजन सेट करना है इसका, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और अब आपसे ये पूछ रहा है कि ओपन टोनर कवर, सी इफ ऑरेंज पैकिंग मटेरियल इज रिमूव्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम बताया था, ऑरेंज पैकिंग मटेरियल आपको रिमूव करना होता है, तो ऑलरेडी हमने इसमें रिमूव कर रखा है, तो इसको नेक्स्ट कर देना है। और फिर से ये पूछ रहा है कि चेक दैट टेप टैप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट्रिज, तो जो आपकी कार्ट्रिज में एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि हमने अनबॉक्सिंग के टाइम निकाल दी थी, तो इसको फिर से आपने नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद ये पूछ रहा है चेक दैट पेपर इज लोडेड इन ड्रॉअर, तो आपका जो ड्रॉअर में पेपर लोड है तो इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अपने प्रिंटर को रीसेट कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।